राम राम, सत श्री अकाल, आदाब मेरे दोस्तों। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो विषय है वो है पेस्ट ऑफ मेज क्रॉप, यानी कि मक्का में लगने वाले कीड़े मकोड़े और उनके मैनेजमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का, अपने भारत देश का पूरे विश्व भर में कौन सा स्थान है। अकॉर्डिंग टू DSCNET 2020, तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की वो फोर्थ रैंक है और प्रोडक्शन के मामले में इसका सातवां स्थान है। और इंडिया का जो टोटल जो एरिया है वो 9.2 मिलियन हेक्टर एरिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और बाकी जो अदर स्टेट अपने इस कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट हैं, किसका प्रोडक्शन कितना है, किसका एरिया कितना है या फिर कितना यूज होता है, वो आपके सामने ग्राफिक के रूप में शो हो रहा है। और ये जो डेटा मैंने ली है ये DSCNET की साइट से लिए हैं। आप चाहें तो ये लेटेस्ट डेटा वहाँ चेक कर सकते हैं, डेटा चेंज होते रहते हैं, तो इसके लिए कोई ये नहीं हो सकता कि भी ये सर ये गलत हैं या जो भी हैं, तो हर साल चेंज होते हैं, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, मैंने इसकी साइट से लिए। खैर, टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक में मेज के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। देखिए, अब आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये वो मेजर पेस्ट हैं। अपने पढ़ेंगे तो खूब सारे इंसेक्ट पेस्ट, लेकिन ये वो मेजर इंसेक्ट पेस्ट हैं जो मेज में जनरली लगते हैं। तो इनके साथ साथ सबसे बड़ी बात, हम मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। पिछली दो क्लासेस के अंदर मैंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया था और आगामी क्लासों के अंदर मैं उनके मैनेजमेंट का भी जिक्र करूंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्पॉटेड स्टेम बोरर, जिसको स्टेम बोरर भी कहते हैं, चाइलो पार्चलस इसका नाम रहता है, पिंक स्टेम बोरर भी लगता है, शूट फ्लाई भी लगता है, फॉल आर्मी वर्म भी लगता है। दोस्तों, शूट फ्लाई बाजरा में भी है, मक्का में भी है और ज्वार में भी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सबसे मेजर पेस्ट अभी जो हाल फिलहाल जो आ रहा है वो फॉल आर्मी वर्म स्पोडोपेरा स्पोडोप्टेरा फर्जीपल्डा, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉटेड स्टेम बोरर चाइलो पार्चलस के बारे में। ये जो स्पॉटेड है थोड़ा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है खरीफ रीजन के दौरान, और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है, तो 26-80% तक ये नुकसान करता है। ये डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु कैसी है। इसके जो एग्स होते हैं वो येलोइश होते हैं, फ्लैट होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, ठीक है। जो लार्वा होता है वो क्रीमी पिंकिश होता है, येलोइश ब्राउन होता है, और चार रो होती है डॉटेड उसके ऊपर, और इसका जो पीरियड रहता है वो 14 से 28 दिन, यानी कि आप मान के चलो 2 से 4 वीक तक ये लार्वा अवस्था में रहता है, इसके बाद ये प्यूपा अवस्था में चला जाता है। इसकी जो फीमेल मोथ होती है उसके ऊपर ब्राउन येलो डार्कर स्केल पैटर्न रहता है, और इसका जो लाइफ साइकिल जो रहता है वो 5 से 6 वीक का रहता है, आप मान के चलो 1 से 1.5 महीने तक ये अपना जिंदा रहता है एक लाइफ साइकिल के अंदर, जिसमें से जनरली सबसे ज़्यादा समय जो इसका है वो लार्वा के रूप में निकलता है, जो कि सबसे नुकसानदायक फेज होती है। ये इसका डायग्राम है लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, लार्वा है, एग मास है, मेल और फीमेल मोथ दोनों के जो डायग्राम है आप इनके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फील्ड में अगर पहचानना हो तो। अब बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की। सबसे बड़ी बात ये, जब मक्का जो होता है उसमें 3 से 5 जब पत्तियां आती हैं उस समय ये इन पे एग लेइंग करता है, लोअर सरफेस पे करता है, और जो नए जो लार्वा होते हैं वो क्रेवल इनसाइड, यानी कि वो क्या करते हैं, क्रेवल करते हैं, निकलते हैं वहाँ से और वो लीव को खा के फीड ग्रुप में फीडिंग करते हैं, स्टार्टिंग में ग्रुप में फीडिंग करते हैं, तो जो लीव होती है उसके ऊपर पिन होल साइज हो जाते हैं और लीव ऐसे पेपरी विंडो, यानी कागज़ की जो खिड़की टाइप जो दिखती है उस टाइप से दिखने लग जाती है। इसके बाद वो लार्वा वहाँ से मूव ऑन करता है, फिर वो मेरिस्टेम में पहुँच जाता है, यानी कि तने के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच जाएगा, और वहाँ पर जो मेन स्टेम जो होता है, सेंटर शूट जो होता है उसको खा जाता है, और सेंटर शूट बाहर निकल आता है खींचने पर या सूख जाता है, उसको डेड हार्ड कंडीशन कहते हैं। जितने भी स्टेम बोरर होते हैं ग्रेमनी कुल में, चाहे वो धान में हो, चाहे मक्का में हो, चाहे गेहूँ में हो, वो सारे डेड हार्ट सिम्टम करते हैं। अब देखो ये पेपरी विंडो आप देख सकते हैं, ऐसे लगता है जैसे बीच में से छलनी टाइप विंडो हो जाती है, और डेड हार्ट देखो बीच की जो साइट जो है बीच के अंदर आप देख सकते हो, बीच के अंदर सूखी हुई एक डाली है, मुड़ी हुई दिख रही है आपको, वो डेड हार्ट सिम्टम है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो कलेक्शन कर सकते हैं स्टबल्स का, मतलब जो आसपास कचरा जो है या जो टूट के गिरे है उसको साइड में कर दो, हो सकते हैं उनमें लटें वगैरह हो। इसके अलावा डीप समर प्लोइंग, यानी कि बोने से पहले डीप समर प्लोइंग करें, इनके लार्वा प्यूपा अंडे जो भी ज़मीन में छुपे हैं वो सूरज से नष्ट हो जाएं या फिर प्राकृतिक रूप से
जो प्राकृतिक शत्रु हैं जैसे चिड़िया है, बगुला है, कौवे हैं, ये क्या करते हैं, जब ट्रैक्टर चलाते हैं उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब जमीन के अंदर प्लाउ लगता है तो नीचे के अंडे लट्टे सब बाहर आते हैं, तो वो उनको खा के नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रैप क्रॉप के रूप में नेपियर ग्रास लगा सकते हैं, और काउपी को इंटरक्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं। अंड परजीवी भ्याव नाम से, यानी कि एक कीड़ा होता है जो उनके अंडों में अंडे देता है, जिसको ट्राइकोग्रामा चिलोनिस कहते हैं। इसके जो ट्राइकोकार्ड जो आते हैं वो आप खेतों में लगा सकते हो, और वो जनरली आपको पहले और दूसरे सप्ताह में लगाने हैं उगने के बाद, और रिमूव कर सकते हो, डिस्ट्रॉय जो डेड हार्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो, निकाल के फेंक दो। बाकी अगर अपने बात करते हैं केमिकल्स की, तो अपने क्लोरोनाट्रीप्रोल, यानी कि जो कोरोजन नाम से मार्केट में आता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। 118.5 SC में आता है, 150 ml/ha डाल सकते हैं। बाकी जो एग पैरास्टोइड हैं, लार्वल पैरास्टोइड्स हैं, प्यूपल पैरास्टोइड हैं, कुछ प्रेडेटर्स होते हैं जैसे क्राइसोबरला है, कॉक्सिनेला है, इन सब का आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप सभी चीज़ों को आपस में मिला के करेंगे, संतुलित रूप से इसका कंट्रोल करेंगे, वही IPM कहलाता है। नेक्स्ट जो आता है इंसेक्ट वो है पिंक स्टेम बोरर, सिसेमिया इन्फेरेंस। ये भी ज़्यादातर नुकसान करता है रबी सीजन की क्रॉप्स में। देखो इंडिया में मक्का दो दो सीजन में आता है, रबी में भी और खरीफ में भी। अपने जनरली राजस्थान में ये खरीफ सीजन में लिया जाता है। इसके जो एग्स होते हैं वो क्रीमी वाइट होते हैं, बीड लाइक इनकी मोती जैसे होते हैं, और जो पेस्ट का जो लार्वा होता है वो पिंक कलर का होता है, इसलिए इसको पिंक स्टेम बोरर कहते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, एक पिंक बोलवर्म होता है वो कपास में लगता है, और ये पिंक स्टेम बोरर है जो कि मक्का में लगता है। इसके अलावा ये गेहूं में भी लगता है, ज्वार में भी लगता है। एडल्ट फीमेल होती है, मीडियम साइज होती है, स्टाउट स्ट्रो कलर होता है, कोपरी टिंड शाइनिंग स्केल, कोपरी मतलब तांबे जैसे इस पे कलर हो गए। एंटीना पेक्टिनेट होती है, कहने का मतलब है कंघाकार होती है, एक तरफ से कंघे जैसी होती है, और फीमेल के अंदर जो होती है वो फिलीफॉर्म होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल जो है इसका 40 से 53 दिन का होता है, मान के चलो लमसम 1.5 से 2 महीने के बीच इसका लाइफ साइकिल चलता है। उसकी लार्वल स्टेज 22 से 36 दिन होती है। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, इसके लाइफ साइकिल का डायग्राम है, फीमेल और मेल मोथ का डायग्राम भी है, इसके एग मास भी है। एग मास का मतलब होता है जब ग्रुप के साथ अंडे दिए जाते हैं, सभी अंडे एक साथ ग्रुप में दिए जाएं, उसको एग मास कहते हैं। लार्वा आपके सामने हल्का पिंक कलर का होता है, ये थोड़ा आपको पिंकिश डायग्राम में ऐसे दिख नहीं रहा होगा मे बी, तो हल्का पीले हल्का गुलाबी कलर का होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज, ये क्या एपिडर्मल लेयर को खाता है। एपिडर्मल का मतलब होता है जो पत्ती के ऊपर की जो पतली परत जो होती है, एपिडर्मी जैसे अपनी चमड़ी है ऊपर से, ऊपर की जो चमड़ी है जो डार्क होती है, टैन होती है, इस तरह की पत्ती को चमड़ी होती है, उसको खाना शुरू करता है। फिर ये बोर करते हुए, मतलब बोर का मतलब है उसमें गुफा सुरंग बनाते हुए सेंट्रल शूट में पहुंच जाते हैं पत्ती से होते हुए, और फिर ये डेड हार्ट सिम्टम करते हैं। अब देखो जैसे ये बोर करके नीचे गया है तो टनल तो बनी है, मतलब खाई बनी है तने के बीच में, तो उसमें अपना जो गूमूत्र जो भी होता है अपने पीछे से विष्ठा जो निकालते हैं वो उससे भर देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये जो डायग्राम आप इनके सॉरी ये जो स्क्रीनशॉट हो रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो चीज़ आपके सामने शो हो रही है, और ये इसका जो मेजर सिम्टम होते हैं आप देख सकते हो कैसे ये इतना खतरनाक नुकसान करता है अपने मेज क्रॉप के अंदर। जैसे पिन होल साइज हो जाते हैं, मतलब आल पिन के टाइप ऐसे होल हो जाते हैं, ओवल होल हो जाता है, मतलब इलोंगेटेड ओवल, लंबाई में जो होता है इलोंगेटेड होता है। डेड हार्ट भी इसमें होते हैं, और देखो ये देखो लार्वा आपको दिख रहे होंगे, ये किसी किसान ने पकड़ रखा है इसके पत्ती के अंदर, तो कैसे अंदर जो गंध मंद भरा हुआ है ये इसका एक्जिटा है, यानी कि इसका मलमूत्र है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, लगभग रिकमेंडेशन वही है जो स्टेम बोरर की थी, क्योंकि ये भी स्टेम बोरर है और नेचुरल नेमीज जो है वो भी लगभग सेम ही रहते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जो चीज़ रिपीट हो रही है तो बार बार डिस्कस करने का मतलब नहीं है, और ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तीसरा है ये स्टूडेंट्स किसान भाइयों ढंग से इस चीज़ को आप देख सकते हैं, फॉल आर्मी वर्म स्पोडोप्टेरा लिटुरा, सॉरी 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 स्पोडोप्टेरा लिटुरा नहीं, स्पोडोप्टेरा फर्जी पटेरा है। स्पोडोप्टेरा लिटुरा तो तंबाकू की जो लट होती है उसको बोला जाता है, ये उसी की फैमिली का है, इसका नाम स्पोडोप्टेरा फर्जी पाइडा है। ये सबसे पहले इंडिया में मई 2018 में आया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि कब ये इंडिया में आया, तो मई 2018 में आया था। फीमेल अंडे देती है, अपर और अंडर साइड दोनों पत्तियों पे दिए जाते हैं। एग मास होता है, एग मास मतलब ये ग्रुप में अंडे देगा और हर ग्रुप में 150 यानी कि 50 से 150 तक अंडे होंगे, 4-5 दिन में वो फूट जाते हैं। उनके बाद उनसे लार्वा निकलना शुरू होता है, क्रीमिश कलर का होता है, उस पर डोर्सल और लेटरल लाइन होती है। डोर्सल और लेटरल लाइन का मतलब होता है उसकी पीठ पे और साइडों में लाइनें होंगी।
सबसे बड़ी बात उसका जो मुंह होता है ना, उसके मुंह के ऊपर ऐसे ना वाई, उल्टे वाई कलर की स्ट्रक्चर होती है, वो अपना आगे डायग्राम में देखते हैं। प्यूपा जो होता है ना, इसकी जो प्यूपल स्टेज होती है, कोकून अवस्था होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, 7 से 9 दिन के लिए उसमें रहता है। इसके अलावा एडल्ट की बात करें तो उसके ऊपर व्हाइट पैचेज होते हैं, एपिकल मार्जिन, यानी कि एपिकल मार्जिन होती है, यानी कि उसका जो विंग्स जो होते हैं उन पे एक बहुत सारी मार्जिन होती है, एपिकल मार्जिन होती है, एनल मार्जिन होती है, ह्यूमेरल होती है, तो उन सब के ऊपर एक व्हाइट पैचेज होता है जो आगे डायग्राम में आपको शो हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये मोथ 500 किलोमीटर तक उड़ सकता है, ठीक है? तो इसके आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि और देशों से यहाँ इंडिया में आ गया। ये इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। अब देखिए, एग मास ग्रुप में दिए हैं, और जो लट आपको जो दिख रही है उसका मुंह गौर से देखिए, उस मुंह दोनों आंखों के बीच में एक वाइट सी लाइन है जो नीचे आके वाई का आकार ले रही है, ठीक है? इसका फीमेल मोथ आप दे सकते हो। इसके बाद ये मेल मोथ भी आपके सामने है, प्यूपा भी आपके सामने है, वाइट जैसा कि मैंने मतलब वाइट पैलर जो स्ट्रीक टाइप इस पे होता है विंग्स पे, वो भी है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसकी जो स्टेज होती है वो सीडलिंग से लेकर इसके ईयर डेवलपमेंट तक जाती है। देखो, V2 और R2 मतलब ये मेज के अंदर बहुत सी स्टेजेस होते हैं, उनके नाम दिए रहते हैं। V2 का मतलब होता है सीडलिंग उम्र से, जब मेज उगना शुरू होता है, 2 या 3 पत्ती होती है। और R6 का मतलब होता है जब उसके अंदर दाने बनना शुरू हो जाते हैं, दूध या दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये क्या करता है, लीफ को स्क्रैपिंग करता है, स्केलेटाइजिंग करता है। स्क्रैपिंग मतलब उसको कुचरता है, कुचरने से क्या होता है मतलब उसकी पत्ती की जो होती है वो खराब हो जाती है। इसके बाद ये जो लीव होती है उस पर पिन होल सिम्टम करते हैं, कि बड़े बड़े छेद से हो जाते हैं, ऐसे पिन जो होती है, पिन का जो पीछे का हिस्सा होता है उसके जैसे छेद कर देता है। वो जनरली क्या है, सबसे ज्यादा डैमेज जो होता है उसका जो फोर्थ इंस्टार होता है, कहने का मतलब इसकी लार्वा की अवस्था जो होती है उसमें जो चौथी अवस्था आती है, यानी कि 3 4 5 बार निर्मोचन करता है, तो हर बार इसकी दशा चेंज होती है, शारीरिक दशा चेंज होती है। तो जो चौथी दशा आती है, चौथा जो लार्वा बनता है इसमें, वो इसका सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये पत्तियों को डिफोलिएट कर देता है, तोड़ देता है, गिर जाती है पत्तियां, खराब हो जाती हैं। इसके बाद ये टेसल्स जो उसके फ्लोवरिंग पार्ट होता है वहाँ घुस जाते हैं, और वहाँ से फिर ये अंदर घुस जाते हैं, इनके ऊपर पत्ती उस टैसल मक्के के ऊपर जो कवर होता है उसका कवर आ जाता है, तो इनको वहाँ से छुप के रहते हैं, तो इनको पकड़ना देखना नामुमकिन सा हो जाता है। वहाँ पर ये अंदर आराम से बैठे मक्के के दाने खाते हैं मज़े से, और कितनी दवाई पत्ती पे छिड़क लो पौधों पर, तो दवाई क्या है, जनरली ये छुपे रहते हैं तो इन पर ज़्यादा असर कर नहीं पाती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर दाने बनने तक, भुट्टे आने तक ही नुकसान करता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पिछले कुछ 4 5 सालों में। अब ये सिम्टम आप इसके देख सकते हैं, आपके सामने है, डायग्राम है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दे सकते हैं कैसे ये नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे इसके सिम्टम है। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, किसान भाइयों, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको IPM की स्ट्रेटेजी अपनानी है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित कीट नियंत्रण के हिसाब से डीप प्लोविंग करनी है, जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा नीम की एक डालनी है सोइल के अंदर, यानी कि नीम की जो खलियाँ होती है 200 किलो पर हेक्टर के हिसाब से आप मेज ग्रोव के अंदर डालें, ठीक है? इसके अलावा जो मेडें जो होती है, जिनको डोलियां बोलते हो, दो क्यारों के बीच में, उनको आप अच्छे से साफ रखें। वहां पर आप मैरीगोल्ड, सिसम, नाइजर, सनफ्लावर, कोरिएंडर आदि आप लगा सकते हैं, जो कि नेचुरल एनिमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो प्राकृतिक शत्रु हैं जब अट्रैक्ट होंगे तो वो फसल में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको भी खाएंगे, ठीक है? जब छह पत्तियां आ जाती हैं, मतलब जब छह पत्तियां निकल जाती है, उस टाइम क्या करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो सीड ट्रीटमेंट तो बच्चों सबको पता ही है भी होना होता ही है, बोने से पहले सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने को, जैसे कि सेंट्रानिप्रोल है, थाइमेथोक्सामाइन का एक मिक्सचर जो मार्केट में आता है, आप उसका सीड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, बर्ड पैचेस लगा सकते हैं, 10 लगाना है पर एकड़ में। तो बर्ड पैचेस का मतलब होता है पक्षियों के लिए खपचियाँ लगाना, ताकि खपचियों पर आके पक्षी बैठ सकें और कीड़ों को खा सकें। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप आप लगा सकते हैं, पर एकड़ में 4 लगाने होते हैं, ठीक है? इसके अलावा क्लीन कल्टीवेशन करना है, मतलब खेत में अंदर प्रॉपर सफाई रखनी है अपने को, वीड है, घास फूस वगैरह सबको हटाते रहना है। फिर इसके बाद अगर अपने को अंडे अंडे कहीं खेत में दिख जाते हैं तो उन अंडों को नष्ट कर देना है, ठीक है? उन अंडों को नष्ट कर देना है। इसके अलावा नीम सीड करने लक्ष्य, यानी कि नीम का पानी जो है, नीम का जो तेल है, या फिर नीम से रिलेटेड कोई भी अपने को इंसेक्टिसाइड मिलता है उसका अपने को छिड़काव करना है, 5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है। इसके अलावा हम
कुछ एग पैरास्टोइड्स होते हैं जैसे टिलोनोमस रेमस है, इसका यूज कर सकते हैं, ट्राइकोग्रामा प्रेटियोसम है, इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बीटी जो है, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, जो जीवाणु बेसिलस थ्यूरिजेंसिस के अंदर अलग अलग वेरायटी आती है, जिसमें से कुर्स्ट की वेरायटी आती है, इसका अपन यूज कर सकते हैं। मेटरिजिम एनासोपिली, विवेरिया बेसियाना, ये फंगस होते हैं जो कीड़ों को मारते हैं, उनको नष्ट करते हैं, ये भी अपन यूज कर सकते हैं। ये एक प्रकार से जैविक नियंत्रण के अंदर आता है। इसके अलावा अपन कुछ नेमेटोड भी होते हैं जो दूसरे कीड़ों को मारते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड जो रिकमेंडेड हैं, जैसे क्लाइंट्रीप्रोल 18.5 SC है, इसके अलावा थाइमेथोक्सोम, लैम्डा, साइहलोत्रीन है, और हाल फिलहाल जो पढ़ रहे हो स्पाइनेटोरम नाम से भी एक मार्केट में आता है स्पाइनेटोरम। इसके अलावा एमामेक्टिन बेंजोएट भी है। तो ये लोग, ये जो इंसेक्टिसाइड है आप रिकमेंडेड डोज के साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब पत्तियां बढ़ने लगती है, मेज के अंदर जब पत्तियां बढ़ने लगेगी, सातवीं पत्ती निकल रही है, तब आपको अलग ट्रीटमेंट शुरू करना है। नीम का स्प्रे कर सकते हैं, इसके अलावा बीटी के वापस स्प्रे कर सकते हैं, वो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है अगर सिम्टम होता है तो। इसके अलावा पॉइजनिंग बैट यूज कर सकते हैं, मतलब राइस का ब्रान लेना है, उसमें गुड़ मिलाना है 3 लीटर पानी के साथ, आप उसको जहर के रूप में यूज कर सकते हैं, चूगे के रूप में यूज कर सकते हैं। और फ्लोवरिंग के टाइम क्या है, फ्लोवरिंग जब फूल आना शुरू हो जाते हैं मेज के अंदर, तब आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो वही सेम ट्रीटमेंट है जो वापस अपने को रिपीट करना है। ये इसलिए बार बार आया, अगर सिम्टम उस टाइम शो हो रहे हैं तो आप उस टाइम कीजिए, अगर फ्लोवरिंग के टाइम शो हो रहे हैं तो फ्लोवरिंग के टाइम से कंट्रोल कीजिए। इसके अलावा आप फिरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं, नर कीड़ों को आकर्षित करने के लिए अच्छा एक ऑप्शन रहता है जो कि आपके सामने है। इसके अलावा कुछ नेचुरल नेमीस होते हैं, प्राकृतिक शत्रु हैं जो कि उनके अंडों को खाते हैं, कोई किसी के लार्वा को खाता है, तो ये आपके सामने एक स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नाम होते हैं, कोई साइंस नहीं है इसमें, चाहे तो रट्टा लगाओ चाहे इसको कैसे ही करके याद तो करना ही पड़ेगा। तीसरा पेस्ट जो, सॉरी सॉरी, चौथा जो पेस्ट आ रहा है वो है शूट फ्लाई, यानी कि मैंने बोला था ये ज्वार बाजरा मक्का तीनों में आती है, और जनरली सिम्टम इसके वही रहते हैं जो पहले ज्वार बाजरा मक्का, ज्वार बाजरा में मैंने बताया था। इसकी कुछ अलग अलग स्पीसीज होती है, जैसे एथेरोगोना सोकाटा इसकी मेन स्पीसीज है, पंजाब के अंदर आपको मिलेगी एथेरोगोना नकवी, इसके अलावा अदर यूपी उत्तराखंड वाले एरिया में एंथेरोगोना सोकाटा के साथ साथ एंथेरोगोना ओरिएंटेलिस भी आपको मिल सकती है। एग होते हैं छोटे चावल के दाने जैसे, मिल्की व्हाइट कलर होता है, लार्वा 7 से 8 दिन का होता है, 3 से 4 इसके इंस्टार होते हैं, मैगेट कहलाता है लार्वा, क्योंकि मैगेट जो होते हैं इनमें टांगे नहीं होती हैं, लेगलेस होते हैं। प्यूपेशन इसका स्टेम में ही होता है क्योंकि स्टेम में रहेगा, एडल्ट 3 से 4 दिन बाद आता है, और लाइफ साइकिल लगभग 3 वीक में इसका कंप्लीट हो जाता है, और अर्ली स्टेज में आता है, ध्यान रखना, क्योंकि शूट फ्लाई होती है कच्ची कली जो होती है उसी टाइम ज़्यादा अटैक करती है। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, लाइफ साइकिल का अंडा है, लार्वा है, मैगेट देखो जो राउंड करके लिखा देखा रखा है, और इसकी जो एडल्ट फ्लाई होती है वो आपके सामने डायग्राम शो हो रहा है, थोड़ी हल्के ब्राउन स्लेटी से कलर की है। नेचर ऑफ डैमेज क्या है, ये भी 2 डे ओल्ड जो सीडलिंग होती है ना, उगने के 2 दिन बाद ही अटैक करना शुरू कर देती है, डेड हार्ट करती है, डेड हार्ट का मतलब है सेंट्रल शूट खा जाएगी। इसका भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इमिडाक्लोपिड डाल सकते हैं, थाइमेथोक्सिम डाल सकते हैं, सी ट्रीटमेंट जरूरी होता है स्टूडेंट, सी ट्रीटमेंट कर दोगे तो स्टार्टिंग फेज में सी ट्रीटमेंट होने से तो इंसेक्ट का कंट्रोल जल्दी हो जाता है। इसके अलावा आप हाई सीड रेट यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो आप 4 किलो सीड रेट है तो आप इसकी जगह आप 5 किलो 6 किलो 7 किलो कर सकते हो, क्योंकि अर्ली स्टेज में जब उगता है, उगते जब प्लांट प्लांट को जब ये खाना शुरू कर देता है तो सारी फसल डैमेज हो जाती है, तो एक साथ जब बहुत सारे प्लांट उगेंगे तो सारे को डैमेज करना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ ना कुछ अपने को लाभ हो जाता है, तो आप हाई सीड रेट भी यूज कर सकते हैं। नेचुरल एनेमीज हैं ये भी आप लगा सकते हैं, इन पर अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा जो इंसेक्ट है वो है कोब बोरर, यानी कि कोब भी मक्के का ही नाम होता है, हेलिकोर पारमिजरा, जिसको आप चने की लट कहते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके जो एग होते हैं क्रीमी वाइट होते हैं, इसके जो लार्वा जो होता है वो 5 से 6 लार्वल स्टेजेज होती है, मतलब 5 से 6 बार ये निर्मोचन करता है, प्यूपा इसका ब्राउन होता है, एडल्ट जो होता है वो 7 to 8 ब्लैक स्पॉट होते हैं उस पर, आगे डायग्राम में आपको शो हो जाएगा, लेकिन लाइफ साइकिल के अंदर आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जो मैंने ग्रीन कर रखी है, डार्क कर रखी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं, एग है, लार्वा है, प्यूपा भी है, एडल्ट भी है, तो दिखने में ये लगभग ऐसे ही होते हैं जैसा आपके सामने डायग्राम में शो हो रहा है। नेचर ऑफ डैमेज पता है आपको, जैसे जैसे चने में करता है वैसे यहाँ भी करेगा, चने में तो
पोड होते हैं, लेकिन यहाँ पोड तो होते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मक्का होता है। तो ये क्या करेंगे, सिल्क जो होता है उसको, सिल्क को खा जाएंगे, ऊपर वाले जो बाल से होते हैं भुट्टे के ऊपर, फिर ये उसके बाद उसके अंदर घुस जाते हैं और अंदर से क्या होता है इसको पूरा तरह से खा, और जो भुट्टा होता है उसको ख़राब कर देते हैं। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या अपना सकते हैं अपन, अपन क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं, अंडों को उठा सकते हैं, इसके अलावा हाइब्रिड वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, अंडों को नष्ट कर सकते हैं, फिरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं ताकि अपने को पता चलता रहे भी कितने कीड़े आ रहे हैं कितने एक नहीं। इसके अलावा बिट्टी के, यानी कि बिट्टी की जो कुष्ठ की वैरायटी है उसका स्प्रे कर सकते हैं। हेलिकोर पारमिजरा के अंदर एक वायरस डालते हैं, एनपीवी जिसको बोलते हैं, उस एनपीवी का 500 LE पर हेक्टर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा तो मेन है ही, एक पेरास्टोइड में, लार्वल में कंपोटेलिस है, प्रेडेटर के अंदर क्राइसोपिड्स हैं, कोक्सिनेला है, बाकी एंटोमोपैथोजेनस के अंदर ब्यूवेरिया मेटरिज्म, आपको पता ही है फंगस है, और ये फंगस का अपन छिड़काव करके कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं। छठा इंसेक्ट जो आता है वो टबैको कैटरपिलर है, स्पोडोप्टेरा लिटुरा जिसको कहते हैं, और इसके फीचर्स वही हैं, एग होते हैं, लार्वा होता है, इसके अलावा इसमें लार्वा के प्यूपल स्टेज आती है, फिर इसका जो एडल्ट रहता है, लाइफ साइकिल इसका 25 से 30 दिनों तक रहता है, और जो इसका लार्वा जो था ब्राइट येलो कलर का सा होता है, और जैसा कि स्पोडोप्टेरा फर्जीपर्डा तो नाम था फॉल आर्मी वर्म का, और स्पोडोप्टेरा लिटुरा नाम रहता है अपने टोबैको कैटरपिलर का। ये देखिए स्टूडेंट्स, किसान भाइयों, इस तरह का जो अगर आपको खेतों में दिखता है कीड़ा या लट या इस तरह से अंडे दिखते हैं, देखो स्टॉक एग्स होते हैं, जैसे पीछे था ये क्या होते हैं, डार्क लाइट लॉन्गिट्यूडनल बैंड, सॉरी एग जो होते हैं लेड इन 2 से 3 लेयर के अंदर दिए जाते हैं, तो इसका जो एग मास है आप देख सकते हो, थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश आपको ऐसे दिख रहा होगा, छोटा छोटा एक जाले के रूप में, इस रूप में ये अंडे देते हैं। इसके बाद इनका लार्वा देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट है इस पे, प्यूपा भी है आपके सामने देख सकते हैं आप, ब्राउन से कलर का है, और फीमेल एडल्ट जो आपके सामने है हल्के ब्राउन कलर की सी है, पीछे पैचेज हैं इसके अंदर, और ये स्क्रैपिंग और स्केलेटनाइजिंग करता है। स्क्रैपिंग मतलब पूरे इतना है, स्केलेटनाइज का मतलब क्या होता है, तो ऐसे अंदर से जालियां से निकल जाती है तो स्केलेटन जैसा बन जाता है, हड्डियों का ढांचा जैसे होता है, तो इस तरह के ये सिम्टम करता है। नेचर ऑफ डैमेज है, ये क्या कहते हैं, टेंडर लीव्स जो होती है वहाँ पे करना शुरू करते हैं डैमेज, स्क्रैपिंग करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, इसके बाद ये इन्फेस्टेशन शुरू होने के बाद यंग प्लांट के अंदर पूरी क्या आते हैं, जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम का मतलब इसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ऐसे खाते जाते हैं, पीछे जाली नुमा स्ट्रक्चर बनती जाती है, हड्डियों का ढांचे टाइप ऐसे बनता जाता है, इसको आप स्केलेटोनाइजेशन कह सकते हैं, या पेपरी विंडो अपीरेंस भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट वो ये हैंड पिकिंग करना है अपने को, फिरोमोन ट्रैप्स लगाने हैं, एग पैरास्टोइड यूज़ करने हैं, जैसे कि टीलोनोमस ट्राइकोग्रामा भी होते हैं लेकिन इसमें टीलोनोमस का अच्छा इफेक्ट रहता है। इसके अलावा एनपीवी डाल सकते हैं अपन, स्प्रे कर सकते हैं नीम सीड करनेल एक्सट्रैक्ट का। इसके अलावा कुछ नेचुरल नेमीज हैं, लगभग वही सेम ही रहते हैं नेचुरल नेमीज, क्योंकि ये भी लेपिडोप्टेरा का है और पीछे जो इंसेक्ट थे वो भी लेपिडोप्टेरा के थे, तो लगभग एंटोमोपैथोजेनिक प्रेडेटर पैरासिटॉइड ये भी सेम ही रहते हैं। इसके अलावा अगला है फ्लोवर चेफर बीटल, ये बच्चों जो चल रहे हैं ये माइनर इंसेक्ट के अंदर आते हैं, तो ज़्यादा मैं इनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, आपको इनका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडेंटिफिकेशन, अब डायग्राम देखा ही रखा है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। इसका नाम होता है चाइलोलोबा एक्यूटा, जो इसका नाम रहता है, और इसके जो एग होते हैं सोइल में देता है, ये ओवल शेप होते हैं ठीक है, और 3 लार्वा इंस्टार होता है, प्यूपा भी इसका सोइल के अंदर ही होता है। अब आप देख सकते हैं ये चेपर बीटल है तो कोलियोप्टेरा में आता है, इस तरह का ये बीटल रहता है, इसका एडल्ट बीटल देखो कैसे अपने जो फ्लोरिंग स्टेज वो कैसे खा रहा है, नष्ट कर रहा है, टेसल्स पे जा रहा है, तो ये नेचुरल फ्लोरिंग के टाइम ज़्यादा डैमेज करता है, और इसके जो पोलन पोलन जो सेट जो होते हैं उनके ऊपर जाके ज़्यादा करता है, और उसके क्या पोलन ख़राब हो जाता है, दाने भुट्टे में बनते नहीं है। मैनेजमेंट है वो, ये डीप्लोइंग कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं। और अगला जो है वो है आर्मी वर्म, देखो एक तो आर्मी वर्म फॉल आर्मी वर्म था वो अलग था, ये सीधा आर्मी वर्म है, ओनली आर्मी वर्म, जिसको अपने सैन्य कीट कहते हैं हिंदी में, माइथीमिया सेपराटा इसका नाम रहता है, ये इंसेक्ट वीट में भी लगता है, और इसका भी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये वाई शेप्ड होता है, इसके भी हेड के ऊपर वाई शेप था, फॉल आर्मी वर्म उस पर था, लेकिन वो उसकी एक अलग रेसिस है, उसके लार्वा के अंदर अलग अलग डॉट्स थे, इसमें डॉट्स कहीं नजर नहीं आते हैं, और इसका जो प्यूपल पीरियड है वो 8 से 13 दिन का बताया गया है, और एडल्ट मोथ होता है पेल ब्राउन कलर का सा होता है, डार्क स्पेक्स उस पे होते हैं।
और ये इसका जो नेचर ऑफ डैमेज सिम्टम आपके सामने, देखो कितना गंदे तरीके से इसने किया है, ऐसे लगता है जैसे किसी गाय या गोदे ने या भेड़ बकरियों ने इस फील्ड को चर लिया हो, ग्रेजिंग बाय कैटल। तो ये इसका सिम्टम्स रहता है आपके सामने, इसका डायग्राम जो शो हो रहा है कैसे डैमेज कर रखा है खेत को। मैनेजमेंट की बात करें तो हैंड पिकिंग कर सकते हैं, अमामेक्टिन बेंजोएट को यूज कर सकते हैं, और इवनिंग में ज़्यादा करना चाहिए स्प्रे, क्योंकि ये स्प्रेयर की लटें जो होती हैं रात को एक्टिव होती हैं, अगर अपने इवनिंग में स्प्रे कर देंगे तो रात को इनके मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक्टिव रात को होते हैं। अगला है कटवर्म। कटवर्म नाम से स्पष्ट है कि कट करेगा, एक्रिटिस इप्सिलियन। कटवर्म की पहचान है दोस्तों किसान भाइयों कि रात को ही अटैक करता है इवनिंग में, तो अगर अपने खेत के पास शमशान जगह में अगर अपने ढंग से सुने तो रात को कट कट की आवाज़ आती है, मतलब खेत में कटवर्म आ चुका है, क्योंकि रात को ही ज़्यादा अटैक करता है। इसलिए इसके लिए अपने को इवनिंग में स्प्रे करना चाहिए, जैसा कि पीछे अपने टोबैको कटवर्म के लिए था। 300 तक अंडे देता है, क्रीमी कलर के से होते हैं, जो इसका लार्वा होता है येलोइश कलर का होता है, लार्वर पीरियड से 4 से 5 वीक, कहने का मतलब है महीने से सवा महीने के बीच में इसका लार्वा पीरियड रहता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। जितना कम रहता है उतना ठीक है, लेकिन ये तो 1-1.5 महीने तक खेत में रहते हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा लाइफ साइकिल इसका 8 से 12 वीक का, कहने का मतलब 2 से 4 महीनों तक ये फील्ड में रहता है, अगर साल की बात करें तो 2 या 3 पीढ़ियाँ ही इसकी होंगी। अब ये देखो इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या करता है, लार्वा लीव को खाता है, फिर वो टेंडर स्टेम में चला जाता है, फिर यंग जो प्लांट होता है इसको ऊपर और नीचे दोनों से खाना शुरू कर देता है, और नीचे से काटना शुरू कर देता है। देखो डायग्राम में शो हो रहा है किस तरह से स्टेम को काट रखा है, ये किसान के हाथ में है, एक प्लांट है नीचे से दिखा रहा है आपको कैसे नीचे से इसको कट करके नीचे अंदर घुसा हुआ है। मैनेजमेंट वो ये डिगिंग कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं। अगला जो इंसेक्ट है वो है टर्माइट, ये यूनिवर्सल इंसेक्ट है स्टूडेंट्स, ये सब जानते हैं, दीमक सबने देख रखी है, ये यूनिवर्सल इंसेक्ट है जो कि हर जगह लगता है, अपने घरों में भी आ जाता है तो फील्ड में तो आना है। इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ रेतीली भूमि होती है वहाँ ज़्यादा अटैक रहता है, जहाँ कच्ची गोबर की खाद डाली है वहाँ भी इसका अटैक ज़्यादा रहता है। मादा रानी जो होती है एक बार में पूरे दिन में 70 से 80 हज़ार अंडे देती है, हर सेकेंड एक एक अंडा देती रहती है, उनसे फर्टाइल अनफर्टाइल यानी कि नपुंसक भी उन्हीं से निकलते हैं, और जो बच्चे पैदा करने वाले होते हैं राजा रानी वो भी उन्हीं अंडों से निकलते हैं, और इनका एक अलग सिस्टम होता है, अपना एक परिवार होता है, इसलिए इनको सामाजिक कीड़ा भी कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये मड बना रखा है मिट्टी का, इस पे दीमक अटैक कर रही है, और ये क्या करती हैं वेस्कुलर टिश्यू जो होती है उनको डैमेज कर देती है, जिनसे जाइलम फ्लोएम जिसको अपने सब बोलते हैं विल्टिंग हो जाती है, मतलब प्लांट सूख जाता है, और अंडर वाटर जैसे कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन आती है ना, प्लांट में पानी नहीं मिल पाता है, इस वजह सूख जाता है, क्योंकि ऐसे सूख जाता है कि जाइलम फ्लोएम तो जो दीमक होती है वो नष्ट कर देती है, तो पानी पहुंच नहीं पाता और विल्टिंग कंडीशन आ जाती है। वही है क्लीन कल्टीवेशन कर सकते हैं मैनेजमेंट में आप, और जनरली कच्ची खाद नहीं डालनी है, और इरीगेशन दे के एक बार दीमक को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि इरीगेशन देने से क्या होता है दीमक नीचे चली जाती है, पानी से डरती है दीमक नीचे चली जाएगी, तो कुछ पल के लिए कीड़ा कंट्रोल हो सकता है। अगला है ग्रास ऊपर, राम जी का घोड़ा मामा घोड़ा जनरली इक्का दुक्का देखने को मिल जाता है, तो ग्रास ऊपर और टीडी में फर्क क्या है, ग्रास ऊपर आपके सामने दिख रहा है ग्रीन कलर का सा होगा या येलोइश होगा या पिंकिश होगा, तो वो ग्रास ऊपर के रूप में जाना जाता है, सोल्ट्री फेज होती है, एकल अवस्था में रहते हैं, ग्रुप में जब आएंगे तो इनकी संरचना ही चेंज हो जाती है, इनका रंग स्लेटी कलर का काला सा भद्दा सा हो जाएगा ग्रुप में जब आते हैं, जब टिड्डी बोलते हैं उसको बोलते हैं टिड्डी, तो इसके जो निम्फल स्टेज होती है वो ज़्यादा नुकसान करती है, फुदका जिसको हल्का हल्का फुदकता फुदकता के जाता है, फुदका बोलते हैं इसको, फुदक फुदक के ऐसे खाता रहता है, फिर धीरे धीरे इसमें विंग बनने शुरू होते हैं, पंख बनना शुरू होते हैं, फिर ये उड़ना शुरू कर देता है, तो ये निम्फ से लेकर एडल्ट तक यानी कि लार्वा से लेकर वयस्क बनने तक नुकसान पहुँचाता है। हाइरोग्लाइपस निग्रोपिलेटस भी इसका नाम रहता है, हाइरोग्लाइपस बेनियान भी इसी का ही नाम रहता है, और जनरली ये क्या करता है रेतली या बालू मृदा के अपने अंडे देता है पेट को अंदर घुसा के, तो आसपास खेत की जो डोलियां रहती है जिनको मेड बोलते हैं तो उनको थोड़ा ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि वही जो एरिया होता है खेत में वही होता है जहाँ पे ये आसानी से अपना स्टोमक अंदर घुसा सकता है, अपना पेट अंदर घुसा के अंडे दे सकता है। नेचर ऑफ डैमेज आप देख सकते हो बहुत गंदे तरीके से खाता है, जिन किसी किसी ने किसान भाइयों ने जिन बच्चों ने टिड्डियों का अटैक देखा है खेतों में वो भली भांति जानते हैं कैसे अटैक करता है। तो ये क्या करते हैं लीफ को खा जाते हैं, अकेली मिड रिब जो होती है बीच वाली जो डंठल होता है उसको छोड़ देते हैं, मेज के भुट्टों को खा जाते हैं, उसका ऊपर का सिल्क गंदी तरीके से खा सकते हैं खा जाते हैं, देखा कि किसान आपके सामने शो कर रहा है हाथ में लेके, तो ऊपर के जो बाल हैं ऊपर का जो सिल्क है वो सारा खा गया। ठीक है, अब बात करते हैं एफिड की।
एफिड रस चूस कीड़ा होता है जिसको आप तेला कहते हो, हरा तेला, काला तेला, ये आता ही है और हल्का ग्रीन कलर का सा होता है, ग्रुप में आता है पत्तियों पे, फलों पे, फूलों पे, हर जगह इसका अटैक रहता है। और इसका जो लार्वा अवस्था होती है वो ज़्यादा हानिकारक होती है, प्लांट सूख जाता है, ब्राउन होने लग जाता है, पानी की कमी जैसा दिखने लग जाता है। क्योंकि ये जो प्लांट क्यों सूख जाता है, क्योंकि ये जो कीड़ा होता है प्लांट का जितना भी रस होता है उसको चूस लेता है और बदले में क्या है, मलमूत्र के रूप में बाहर कुछ चीज़ें छोड़ता है जिसमें हल्की बहुत शर्करा की मात्रा होती है, तो चींटियाँ आने लग जाती है, जब चींटियाँ आएंगी तो फंगस को भी लाएंगी, तो फंगल डिजीज़ फैलाता है, कुछ बहुत सारी डिजीज़ होती है जो एफिड की वजह से फैलती है। तो ये अकेला प्लांट को नुकसान ये वैसे भी डैमेज नहीं करता कि खुद भी डैमेज करता है, दूसरा ये डिजीज़ भी साथ में कैरी करता है, तो प्लांट को दोनों तरफ से नुकसान होता है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उन पौधों को हटा दो जिन पे आया है और नेचुरल रेमेडीज का भी अपने प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हैं जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एमामेक्टिन बेंजोएट है, थाइमेथोक्सोम है, एसीटामाप्रिड है और क्लारेंट्रिप्रोल यानी कि कोरोजन नाम से जो मार्केट में आती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगला है लीफ होपर पायरिला परपुसिलिया, ये जनरली गन्ना में आता है लेकिन तो जैसे मक्का है ये भी अपने आप में बाजरा, ज्वार, मक्का, सोरगम, शुगर केन ये भी एक ही फैमिली के, तो कहीं ना कहीं ये भी इसमें अटैक करता है। तो ये क्या होता है, पायरिला ये जो अंडे जो देता है हल्के ब्लूइश कलर के से अंडे देता है, उसके बाद उनसे जो निम्फ निकलना शुरू होते हैं, जो लार्वा निकलना शुरू होते हैं, वो फिर एडल्ट तक बनने तक 5 इंस्टा यानी कि 5 बार एंडमोचन करके आगे तक जाएंगे। लगभग इनका जो निम्फ स्टेज है 7 से 12 दिन की रहती है और ये 24 से 65 दिन तक लगभग इनका लाइफ साइकिल रहता है। और जनवरी अप्रैल से अक्टूबर महीने के अंदर इनकी ये लगभग खरीफ सीजन में ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ये देखिए इस तरह का जो इसका मेल फीमेल एडल्ट जो है इस तरह का, देखिए आगे एक लंबी सी चोंच होती है जिसको स्नोट कहते हैं, ये किसी प्राइवेट जेट जो होता है जेट विमान की तरह से दिखता है। तो एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपटीशन एग्जाम की तरफ से पूछा जाता है कि इसका कंट्रोल किससे करते हैं, तो एक निम्पल पैरास्टोइड होता है जिसको एपाइरिकेनिया मेलोन्युका कहते हैं, एपिकार्पिया भी कह देते हैं कभी, तो एपाइरिकेनिया इसका नाम रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट ये लेपिडोप्टेरा का पैरास्टोइड होता है, जबकि लेपिडोप्टेरा तो फसलों को नुकसान पहुंचाती है लेकिन लेपिडोप्टेरा में एक ऐसी मौत है जो कि इसके कीड़ों के निम्फ को खाती है, उसका नाम है एपिकार्निया मेलोन्युका। और इसके अलावा आप निम्फल पैरास्टोइड को भी यूज कर सकते हो, प्रेडेटर भी यूज कर सकते हो, तो इससे आप इनके कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास अपनी जिसमें अपन ने डिस्कस किया था पेस्ट ऑफ मेज क्रॉप, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे हम और लेक्चर डालते रहेंगे, तब तक आप मेरे इस वीडियो को सुनिए, अपने दोस्तों को सुनाइए, आगे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे और हर वीक या वीक में एक या दो मेरे लेक्चर आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब।